यूपी के फरुखाबाद में कोतवाली पुलिस ने अफीम तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए कीमत की 10 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन सभागार में SP डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि बीती रात शहर कोतवाली पुलिस को अफीम तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 1 DCM और 10 किलो अफीम के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो झारखंड से अफीम खरीदकर पंजाब में तस्करी करते थे। फरुखाबाद कोतवाली की टीम ने इंस्पेक्टर कोतवाली और उनके थाने के अन्य उप निरीक्षक और उनकी टीम, इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। 4 शातिर अपराधी जो कि अफीम की तस्करी किया करते थे, उनको इन्होंने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सारी बातें पता चली हैं। ये 1 DCM गाड़ी जो कि बरामद हुई है, उसी गाड़ी के माध्यम से ये तस्करी करते थे। उस गाड़ी को बाहर से देखने में बिल्कुल खुली है, लेकिन नीचे उसमें बॉक्स बनाया गया है, जिस बॉक्स में ये रख करके चुपचाप ले आते थे, और दूर से अनुमान करना मुश्किल होता था कि इस गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन ये सटीक सूचना थी जिस पर कि ये कार्रवाई हो पाई। ये चारों अभियुक्त भानु प्रताप, तेजपाल, रत्नेश और महीपाल, इसमें भानु प्रताप फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र जनपद बदायूं का रहने वाला है, बाकी तीनों अलीगंज थाना क्षेत्र के जनपद बरेली के हैं। ये चारों मिल करके ये कार्य कर रहे थे। प्रायः ये रूट बदल कर आते हैं, ये चलते झारखंड के रामगढ़ जिले से ये माल उठाते हैं और उसके बाद उसे बरेली में ला करके कुछ लोगों को देते हैं। उनके नाम भी सामने आए हैं, श्याम बिहारी, प्रेम सिंह, विजय सिंह, पता चला है कि इनको देते हैं। फिर ये अपने अन्य माध्यमों से छोटे छोटे तरीके से पंजाब इत्यादि बाहर के प्रांतों में ले जाकर इसे बेचते हैं। तो इस प्रकार ये सारे गैंग का पर्दाफाश हो गया है और मुख्य इसमें ले आने वाले माल के लोग, गाड़ी और माल समेत बरामद हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। अब आगे और इस पर अन्य कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शेष लोग जो इसमें इस चेन में और जुड़े हैं, उनका भी पता किया जा रहा है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।